नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अविन। पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले शोएब अख्तर इन दिनों लेजेंड लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें वो एशिया लायंस के टीम के हिस्सा हैं। शोएब का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर काफ़ी शानदार रहा था। उन्होंने अपने गेंदबाजी से कई बल्लेबाजों के नाक में दम कर रखा था। शोएब उन दिग्गजों की सूची में शामिल होते हैं जिसमें सचिन तेंदुलकर और सुनील जयसूर्या जैसे बड़े खिलाड़ियों का नाम आता है। हाल ही में शोएब ने किसी मीडिया चैनल में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही है, तो इस वीडियो के जरिए आज हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या बातें कही। दरअसल उन्होंने कई सारी बातों का खुलासा किया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है जो शोएब ने बोली है वो ये है कि उन्होंने बताया कि वो भारत को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भारत आता जाता रहता हूँ, मैंने यहाँ इतना काम किया है कि मेरे पास अब आधार कार्ड भी है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। भारत ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं भारत में क्रिकेट खेलना मिस करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की भी तारीफ करने से नहीं झुके। उन्होंने विराट कोहली के फॉर्म में वापसी पर कहा है कि विराट कोहली को फॉर्म में वापस आना ही था, इसमें कोई नई बात नहीं थी। अब उनके ऊपर कप्तानी का दबाव भी नहीं है, वह फोकस के साथ खेल रहे हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होंगे तब उनके पास 110 शतक होंगे। शोएब अख्तर ने एशिया कप को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और खुलकर अपनी बातें सामने रखी है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता है तो इसका आयोजन श्रीलंका में होना चाहिए। मैं एशिया कप और वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान को फाइनल खेलते देखना चाहता हूँ। वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ भारत और पाकिस्तान फाइनल के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार एशिया कप का वेन्यू पाकिस्तान है, मगर बीसीसीआई सचिव जयशाह के आपत्ति से इस बार पर संचय बना हुआ है कि पाकिस्तान में इस बार एशिया कप होगा या नहीं। जयशाह ने साफ कर दिया है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में खेला गया तो भारत अपना नाम इस टूर्नामेंट से वापस ले लेगा। वहीं इस महीने के अंत में इस बात का फैसला एशिया का क्रिकेट काउंसिल द्वारा लिया जाएगा। शोएब अख्तर की बात करें तो कतर के दोहा में चल रहे लेजेंड लीग क्रिकेट में वो खेल रहे हैं, जिसमें अभी तक वो एक ही ओवर फेंके हैं। इस लीग में तीन टीम पार्टिसिपेट की है जिसका नाम है इंडिया महाराजा, एशिया लायंस और वर्ल्ड जायंट्स। अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर के नाम है, जिन्होंने 183 रन बनाए हैं, तो वहीं 8 विकेट के साथ हरभजन सिंह बेस्ट गेंदबाज हैं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और अपडेट को जानने के लिए देखते रहे क्रिकेट की हिस्ट्री। धन्यवाद।